बेटा। जी पापा, क्या बात है? बेटा मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से बड़ी पढ़ाई कर रहे हो, दिन रात पढ़ाई कर रहे हो, बात क्या है? पापा, कंप्यूटर का जॉब इंडिया में सबसे रॉयल जॉब है, ऐसा हमारे सर ने कहा, इसीलिए मैं पढ़ाई करके इस जॉब को हासिल करना चाहता हूँ। बेटा ये तो इम्पॉसिबल है, संभव नहीं है। क्यों पापा? क्योंकि कलेक्टर के लिए 4 बड़ी परीक्षाएं पास करनी होती हैं और तुम पास नहीं कर पाओगे। बट पापा, हमारे सर ने कहा कि 3 ही परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, पीटी मेंस और इंटरव्यू। यही तो देश का दुर्भाग्य है पुत्र, कि 4थी बड़ी परीक्षा के बारे में कोई समझता ही नहीं। पापा, 4थी परीक्षा के बारे में कुछ समझाइए मुझे। 4थी परीक्षा ये है कि जब आदमी 3 परीक्षा पीटी मेंस और इंटरव्यू फेस करने के बाद कलेक्टर बन जाता है, तब 4थी परीक्षा शुरू होती है। वो 4थी परीक्षा ये है कि जब कलेक्टर आदमी बनता है तो कलेक्टर के हाथ में देश की बड़ी से बड़ी योजनाएं आती हैं, और कलेक्टर का ये दायित्व तो होता है कि उन सारी योजनाओं को जमीन पर 100% पहुंचा दे, जो कि ऐसा नहीं हो पाता। भारत का कोई भी कलेक्टर आज तक इस परीक्षा में पास नहीं हो पाया है, और मैं आशा करता हूं कि तुम भी पास नहीं हो पाओगे, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि ये प्लान ही रद्द कर दो। ये तो बहुत आसान लग रहा है पापा, प्लीज इसके बारे में समझाइए। देखो बेटा, मान लो तुम एक किसान हो, तुम्हें पंपिंग सेट से पानी डिलीवरी पाइप के माध्यम से ले जाकर खेत में पटान करना। तुमने पंपिंग सेट चालू कर दिया, डिलीवरी पाइप के माध्यम से पानी जाना शुरू हो गया। अंत में अपने खेत में जाकर जब तुम देख रहे हो तो तुम्हें पता चल रहा है कि खेत में केवल 20% ही पानी जा रहा है, 80% पानी दूसरे के खेतों में जा रहा है। तब कोई आदमी आएगा तो तुम्हें कहेगा कि तुम मूर्ख किसान हो, सबसे पहले तुम्हें पंपिंग सेट बंद करना चाहिए, डिलीवरी पाइप को बदलना चाहिए, फिर अपने खेत का पटान करना चाहिए। पापा, किसान का उदाहरण क्यों दे रहे हैं आप? बेटा, किसान का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि जैसे किसान का पाइप फटा हुआ था, सड़ा हुआ था, उसी तरह हमारे देश का सिस्टम सड़ा हुआ है, फटा हुआ है, और इस सिस्टम से कोई भी देश की योजना जमीन पर उतर ही नहीं सकती, और ये सारा दायित्व डीएम का होता है। सारे लोग तो 3 ही परीक्षा देकर कलेक्टर बन जाते हैं। बेटा देखो, सारे लोग नहीं है हम लोग, हम लोग यदि सारे देश के लोगों की तरह सोचने लगे तो फिर इस देश का क्या होगा। पापा, अब आप विषय पर आइए। देखो बेटा, मान लो तुम कलेक्टर बन गए, तुम्हारे ही क्षेत्र में एक गांव में 5 सबसे गरीब आदमी है, लुल्हा लंगड़ा अपाहिज बेघर भूमिहीन, और तुम्हारे हाथ में ऊपर से योजना आई है कि उस गांव के सबसे 5 गरीब व्यक्ति को 5,000 रुपए की राशि पहुंचानी है। तुमने अपने अधिकारियों कर्मचारियों के माध्यम से उस योजना को भेज दिया। अंत में जाकर जब तुम देख रहे हो कि उन 5 गरीब आदमियों के पास योजना पहुंची है कि नहीं, तो तुम्हें पता चल रहा है कि उन 5 गरीब आदमी को योजना का लाभ नहीं मिला है, योजना बीच में कहीं और ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। अब बताओ, 5 सबसे गरीब आदमी का हक कोई दूसरा ले गया, तुम देखते रह गए, ये सारा दायित्व तो तुम्हारे ऊपर था कि तुम, अब बताओ तुम फेल हुए कि पास? फेल? बट पापा, मैं आपसे आई प्रोमिस यू कि मैं 4 परीक्षाएं पास करके आपको दिखा दूंगा। बेटा एक और प्रोमिस करो, यदि तुम 4थी परीक्षा में फेल हो गए तो तुम्हें 4थी परीक्षा पास करने का प्रयास करना है, और यदि असफल हुए तो अपना इस्तीफा देकर घर आ जाना है। यस पापा। ठीक है? ठीक है। ठीक है, तो फिर पढ़ाई करो।
एपिसोड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ कोई त्रुटि हो तो कमेंट कीजिए।